हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज भारत के राष्ट्रपति से जो है हम पार्ट एक लेकर आए हैं, ये वीडियो नंबर 3 है और भारत के राष्ट्रपति से कई क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में आते हैं। यह वीडियो अभी जो होने वाला है दोस्तों, आर्मी पुलिस पटवारी रेलवे SSC व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण PDF है ये, आप इसे कंप्लीट करें। एक वीडियो आज आ रहा है, एक वीडियो अगला वीडियो भी अपलोड किया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति से कई क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसलिए जो है इसको कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? जल्दी बनाएं क्या आंसर होगा दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को आंसर फिलअप करना है। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया ब्रिटेन के सम्राट से, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव? जल्दी बनाएं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है ना, वो बिल्कुल सही है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है और कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ शामिल किए हैं मैंने, और वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं, ये पिछले 20 सालों में पूछे गए एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? जल्दी बनाएं क्या आंसर होगा, किसका प्रधान होता है? भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है या नहीं होता है? वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं राज्य का प्रधान, वो बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थियों को केवल वीडियो नहीं देखना है, आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं आप, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? आपको क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए, आपको चार ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल वो याद होना चाहिए उसने क्या पूछा है। जैसे अपन स्कूल लेवल में पढ़ते थे ना, प्रश्न और आंसर इस टाइप से याद होना चाहिए आपको। यहाँ चार ऑप्शन जरूर मिल रहे हैं आपको, पर उसको पढ़ने के उसका केवल वो आंसर आप ढूंढे जो आपको इसका सही आंसर है। तो वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया ना राष्ट्रपति, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में? जल्दी बताएं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं ना राष्ट्रपति, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल? जल्दी बताएं, सात का आंसर क्या होगा जल्दी से। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, वो बिल्कुल सही आंसर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता? जल्दी बताएं, आठ का आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहा है ना राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, वो बिल्कुल सही वे में चल रहा है, बेहतरीन तैयारी के साथ आप तैयारी कर रहे हैं और आपको जरूर सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो विद्यार्थी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मैंने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद में मैंने डिटेल दिए हैं, बिल्कुल एक बार डिटेल पढ़ के आ जाए फिर देखें आप कैसे आंसर नहीं आएंगे, टोटल आंसर आने शुरू हो जाएंगे आपके। डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर कोई विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है या कमज़ोर पा रहा है अभी इस चैप्टर में, आंसर गलत आ रहे हैं उसके, तो वो डिटेल जाके पढ़ के आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बीच बाद में। जस्ट मैंने इस वीडियो में जो है आपको पूरी डिटेल उपलब्ध कराई है, उनको अपने नोट्स में शामिल अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष? जल्दी बनाए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में फिलअप करें भाई हो। वेरी गुड, ए ऑप्शन राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह भारत का नागरिक हो? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो? वेरी गुड, ये भी सही बात है। इसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो? ये भी सही बात है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो? तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए?
जल्दी बनाए। किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता मैंने बताई थी 35 वर्ष टोटल होनी चाहिए। 11 का डी आंसर होगा, वेरी गुड एक्सेलेंट। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु 65 वर्ष, 70 वर्ष या 75 वर्ष, या इनमें से कोई आयु सीमा का बंधन नहीं है। जब चाहे व्यक्ति बन सकता है, चाहे वो 80 साल हो, 90 साल हो या अंतिम स्टेज हो जीवन की। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। 12 का आंसर, वेरी गुड। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे हैं ना, कोई आयु सीमा भी नहीं, वो निर्धारित नहीं है कि कितनी आयु सीमा वाला व्यक्ति बन सकता है। तो 35 से ऊपर अगर चाहे जितना बना सकते हैं आप, ठीक है, पर वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके लिए पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसी ने, जो डी आंसर दे रहे थे वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे दोस्तों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं? जल्दी बनाए। भारत में बात कर रहे हैं हम, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2, 3, 4 या कोई सीमा नहीं? तो भारत में, भारत एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है एक व्यक्ति, उसकी कोई सीमा नहीं है। पर अमेरिका में 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। जल्दी बताएं। 14 का आंसर, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। 14 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष रूप से। जल्दी से आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जल्दी बनाए। 15 का आंसर, वेरी गुड। जो विद्यार्थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति ऑप्शन लगा रहे हैं, यानी डी ऑप्शन लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सही आंसर चल रहा है दोस्तों। एक अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आपको एक नंबर जरूर मिलेगा यहाँ से। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को या उच्चतम न्यायालय को? अगर मान लो राष्ट्रपति के पद से चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसे कहाँ पहुँचाया जाएगा, उसका निपटारा कौन करेगा? चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव करवाना, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, संसदीय समिति नहीं, तो वो करेगा उच्चतम न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय उसका जो है निपटारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10, 10, 20, 20, 50, 50 या 100, 100। जल्दी से 17 का आंसर क्या होगा? जल्दी से फिलअप करें आंसर। 17 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जल्दी से, सभी को एग्जाम्स क्लियर करना है, क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। और अगर नहीं बन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जस्ट बाद मैंने आपको डिटेल उपलब्ध कराई है, एक बार डिटेल पढ़ लें उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएं, आपके सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। यस, 17 का आंसर इज सी, वेरी गुड। जो विद्यार्थी 50-50 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, जब जाकर जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके लिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? वह भारत का नागरिक हो, ये तो चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, मतलब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने वो होने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, तो और इसके बाद कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। अब मान लो कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए, जैसे कोई सरकारी नौकरी में हो, तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं आ सकता है। हाँ, ये बात है, उसे उस नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा जब जाकर वो बनेगा, और अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गया तो वो उस नौकरी से भी जाएगा और पद से भी जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना इस टाइप की घटना आप ना करें, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित त्रिय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैटल प्रणाली द्वारा। जल्दी बनाएं। 19 का आंसर, वेरी गुड। 19 का आंसर बी है, एकल हस्तांतरी तरीय मत पद्धति द्वारा, जो है 19 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही चल रहा है, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन लगाया था वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा? जल्दी से बनाए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा, मतलब राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करवाता है, तो इसकी जवाबदारी जो है निर्वाचन आयोग की है, और निर्वाचन आयोग सारा रूपरेखा बनाता है और वो बताता है किस टाइप से चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा
सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जल्दी बताएं। वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे हैं राष्ट्रपति वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले में मामले किसके पास भेजे जाते हैं, चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, या उच्चतम न्यायालय के पास, या उपराष्ट्रपति के पास? 22 का आंसर जल्दी से बनाएं। यदि कोई विवाद हो जाता है चुनाव से संबंधित कहाँ भेजा जाता है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन लगाया ना उच्चतम न्यायालय, वो बिल्कुल सही चल रहा है। उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को ही चुनाव विवाद भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को दो तीन बार रिवाइज करके देखें। 23 नंबर का क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? यानी राष्ट्रपति का तो विवाद सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, पर उपराष्ट्रपति का भी साथ साथ देखा जाएगा। तो एक आर्टिकल दिया गया है, उसमें देखिए अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। क्या आंसर होगा 23 का, जल्दी बनाएं। वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे हैं 71, वो बिल्कुल सही आंसर फिलअप कर रहे हैं और उनको एक नंबर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? जल्दी बनाएं, एक माह, दो सप्ताह, या एक सप्ताह या तीन सप्ताह? राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो उसको कितना समय मिलेगा? वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं 2 सप्ताह यानी 14 दिन, वो बिल्कुल सही आंसर फिलअप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 6, 5, 4, 3, जल्दी आंसर फिलअप करें। 25 का आंसर, वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं ना 5 वर्ष, वो बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, 25 का बी ऑप्शन। 26 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। 26 का आंसर, वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं 56, अनुच्छेद 56, वो बिल्कुल सही आंसर फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा, ये आर्टिकल 56 हमको बता रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, संसद के सभी सदस्य और विधानसभा सभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, तो परिषद इसमें भाग नहीं लेती, संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, जल्दी बनाएं। 27 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य निर्वाचित सदस्य आते हैं, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी यहाँ भाग लेते हैं, जैसे विधायक जो होते हैं हमारे वो भी भाग लेते हैं, सांसद भी भाग लेते हैं, पर वो निर्वाचित भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो इसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे, और लोकसभा में जो 2 किए जाते हैं वो भी यहाँ पर भाग नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा? जल्दी बनाएं। वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहा है ना संसद द्वारा, वो बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, संसद द्वारा। डी ऑप्शन, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो हमने ली है कौन से देश से ली है? अमेरिका से। पूछा जा सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से आपने उधार ली है, तो बिल्कुल हम बोल देंगे अमेरिका से हमने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, संसद के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा, महाभियोग? राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटा दें? अभी हाल मैंने बताया था। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन फिलअप कर रहा है ना संसद द्वारा, महाभियोग, वो बिल्कुल सही चल रहा है और आंसर उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, या उच्चतम न्यायालय में? वेरी गुड, जल्दी से आंसर बनाएं, फिलअप करें, कमेंट्स बॉक्स में आप जल्दी से आंसर लिखें, क्या आंसर होगा? वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन दे रहा ना संसद के किसी भी सदन में, वो बिल्कुल सही आंसर है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, पर जिस सदन में प्रक्रिया शुरू की गई है
उसमें पारित होने के बाद में दूसरे सदन में भी क्या होना चाहिए, वो पारित होना चाहिए जब जाकर उसको महाभियोग से हटाया जाएगा। और बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा अभी तक नहीं हटाया जा सका है। भाई जिस देश का प्रधान ही प्रधान व्यक्ति इस प्रक्रिया से हटाएंगे तो क्या कितना क्या होगा, ठीक है। दूसरे देश क्या सोचेंगे कि यार जब पहला व्यक्ति है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, उसको हटाया जा रहा है इस प्रकार से। तो इसलिए आप देखें गलती नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और अभी तक नहीं की गई है, इसलिए नहीं हटाया। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से या महाभियोग द्वारा। जल्दी बनाएं 32 का आंसर्स। अब भी हाल हमने एक क्वेश्चन को किया था, राष्ट्रपति को हटाएंगे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। और किस आधार पर, कि वो संविधान पर अतिक्रमण करे। अतिक्रमण का मतलब ये नहीं कि दुकान डाल देगा और दुकान के सामने सामान रख देगा, ठीक है। उसको अतिक्रमण कहते हैं अपने लैंग्वेज में। जब दुकान खोलती है तो उसके बाहर में बहुत सारे सामान रख देते हैं बाहर की साइड रोड पर, तो वो अतिक्रमण है। फिर सरकार उसको हटा दी है, नगर पालिका अगर वगैरह हटा दी तो वो अतिक्रमण नहीं है। अलग टाइप से अतिक्रमण, यानी कानून का पालन नहीं करे तो वो अतिक्रमण हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, किसी भी आधार पर। अरे तो भैया किसी भी आधार पर कैसे उठा लोगे आप, ये बताओ। ऐसे गिरा दोगे क्या, नहीं। संविधान के अतिक्रमण करने पर, यस, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अब भी हाल मैंने बताया था और वही क्वेश्चन आ गया वापिस। राज्य विधानसभा को भंग करने पर, नहीं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, संविधान के अतिक्रमण करने पर। जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखते जाएं ताकि जब लिखने से याद होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। जल्दी बनाएं 34 का आंसर। 34 का आंसर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई, तो वो आंसर है अमेरिका। ए ऑप्शन अमेरिका, बता चुका हूँ मैं आपको, अमेरिका से। वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं अमेरिका, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र लेना पड़ता है। 35 का आंसर, महाभियोग लगाने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद के वक्तव्य न देने पर। जल्दी बनाए 35 का आंसर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति को एक ही प्रक्रिया से हटा रहे महाभियोग के द्वारा, तो महाभियोग लगाने पर, और वो साबित भी होना चाहिए जब जाकर ऐसा होगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कौन हटा सकता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो एक ही प्रक्रिया से हटा सकते हैं, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भी उनको नहीं हटा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो यहाँ पर जो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी ना दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया जो स्टार्ट की जाएगी वो ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर दी जाएगी। राष्ट्रपति को इसको सूचना देनी पड़ेगी, आपने संविधान का अतिक्रमण किया है तो बताइए आपके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जाए और महाभियोग की प्रक्रिया क्यों स्टार्ट नहीं की जाए। तो वो क्या करता है कि राष्ट्रपति या तो अपने किसी वकील को भेजेगा या खुद आएगा और वहाँ पर वक्तव्य देगा। जिस सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, वो अपना सफाई जरूर पेश करेगा, एक बार उससे पूछा जाएगा, और अगर वो जवाब देने में असफल रहता है तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो वो 14 दिन का समय उसके अंदर रहेगा कि 14 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए भी 14 दिन मिलते हैं, तो हटाने के लिए भी 14 दिन लगाना पड़ेंगे। तो ये एक लॉजिक है उसको याद रखने का। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। नेक्स्ट, सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम 2/3 सदस्य। सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य। सदन के विशेष बहुमत। जल्दी बनाए 38 का आंसर। वेरी गुड, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य ये बोलेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो वो प्रक्रिया स्टार्ट रखी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा या न्यायालय में ट्रायल द्वारा। जल्दी बनाए। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है भाई, ठीक है। महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाएंगे, यानी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना
चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिक होगी? यह कृत्य अविधिमान्य होंगे, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, राष्ट्रपति को हमने महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया, पर इससे पहले मान लो उसने 2 साल कार्य कर लिया है, तो 2 साल में जितने भी कार्य किए वो गलत है क्या? उनको हम चेंज कर देंगे क्या? नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जब से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है तब से अगर कोई कार्य किया जाएगा, वैसे करने ही नहीं देते वो। महाभियोग की प्रक्रिया जब चल रही हो ना, तो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा, उस समय उपराष्ट्रपति उसको संभालेगा, ठीक है? क्योंकि आपके खिलाफ आरोप लगाए और आप फिर भी उस पद को संभाल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा। आपको पद से हटाने के लिए आरोप लगाया गया है, ना कि ऐसे ही। तो आपको उस पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका जवाब दीजिए पहले। तो जवाब देने के लिए वो वहाँ पहुँचेंगे। तो यह कृत्य जो भी कार्य किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, वो सब विधि मान्य होंगे, उनको रद्द नहीं किया जा सकता। जो कर दिया उन्होंने वो कर दिया, अब नहीं करेंगे, ऐसा बोल दिया गया है। बहुत सी बार घर वाले आपसे पूछते हैं ना, अब करेगा कि अब नहीं करूँगा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है, देखें, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। 42 का आंसर, वेरी गुड। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं और आंसर उनका बिल्कुल फिलअप आ रहा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 70? जल्दी बताएं किस अनुच्छेद के तहत वो शपथ ग्रहण करता है। वेरी गुड। जो विद्यार्थी 60 आंसर दे रहे हैं ना, जो विद्यार्थी 60 आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही चल रहा है, एक नंबर आपको मिलेगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे? मान लो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, वो कहीं बाहर है, या वो नहीं आ सकते शपथ दिलाने शपथ समारोह में, तो फिर किसको बुलाया जाए शपथ के लिए? उपराष्ट्रपति को, महान्यायवादी को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश? जल्दी बनाए क्या आंसर होगा, चार ऑप्शन है। हाँ, कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है भाई। वेरी गुड। डी ऑप्शन, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश आएगा शपथ दिलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? जल्दी बताएं। यदि दोनों बाहर हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही आंसर की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे, तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? जल्दी बनाए क्या आंसर होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। तो यार मेरी बात सुनो, मैं मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, तो यार आप किसको सूचना देंगे? सूचना उसको देंगे ना जो आपका कार्य संभालेगा, उसको दे देंगे। तो आपने अगर त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति को देंगे आप, तो वो कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति को सूचना होनी चाहिए कि कल राष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहेंगे तो मुझे जाना है कार्य संभालें। तो उसी प्रकार से जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के महान्यायवादी को? जल्दी बताएं। 47 का आंसर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वेरी गुड। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन 47 का आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर का क्वेश्चन। एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य? जल्दी बताएं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। वेरी गुड। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो बिल्कुल सही है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो
तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बनाएं 49 का आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं राष्ट्रपति, वो बिल्कुल सही आंसर चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ही पद को संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, प्रत्युक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5, 1.5 यानी 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह? तो अधिकतम अवधि होती है उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है तो वो 6 माह होती है, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवा लिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे थे वो बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन। जल्दी बनाए 51 का आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, ज्ञानी जेल सिंह। बी ऑप्शन ज्ञानी जेल सिंह, ये जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, तो बहुत से उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद में राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह। 52 क्वेश्चन क्या था? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? यानी बाकी 3 उपराष्ट्रपति होंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये भी उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद में राष्ट्रपति के पद इन्होंने लिया है। तो ज्ञानी जेल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पद पर आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 डी। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। जल्दी बनाए 53 का आंसर। 53 का आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं वीवी गिरी, वो बिल्कुल सही है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो ये भी याद होना चाहिए, पहला तो याद रखते हैं आप, दूसरा तीसरा नहीं याद रखते, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसने चौथा जा पूछा है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी। जल्दी बनाए 54 का आंसर। देखिए, जो पहले पहले राष्ट्रपति बने ना, उन्होंने पद छोड़ा ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री भी अगर देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल अपने जवाहरलाल नेहरू का है। तो ये ध्यान रखिएगा हम, कि जो पहली बार बने थे उन्होंने पद छोड़ा ही नहीं अपनी मर्जी से, ठीक है, तो बाद में जाके छोड़ा जब उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, या फिर उनसे कार्य नहीं हो रहा था उन्होंने छोड़ा, तो अपने ये मान सकते हैं कि लॉजिक है अपना, कि उन्होंने पद छोड़ा ही नहीं था अपनी मर्जी से। तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहने का मतलब ये, और प्रधानमंत्री में अपने जवाहरलाल नेहरू, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन हो जाएगा। जो विद्यार्थी ए फिलअप कर रहे थे वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जल सिंह या डॉक्टर जाकिर हुसैन। 55 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बनाए 55 का आंसर क्या हुआ। वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे वीवी गिरी, वो बिल्कुल सही है, प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे कौन? अपने वीवी गिरी, जो चौथे नंबर का राष्ट्रपति भी बनाया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब उनके सामने कोई नहीं खड़ा हुआ था, उन्होंने कह दिया बस यही ले लो यार, इनको ले लो, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। जल्दी बताओ, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले राष्ट्रपति, सभी की सहमति से इनको राष्ट्रपति चुना लिया गया था, उनका नाम है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। जो डी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर चल रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक नंबर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह या सी राजगोपालाचारी। जल्दी बनाए, क्योंकि आपको सारे राष्ट्रपति याद रखने पड़ेंगे। देख लो, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से आपको ये फायदा मिलता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इस बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 डी, सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिर पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और नंबर अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी पहले राष्ट्रपति कौन थे? वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन फिलअप कर रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। क्लियर होगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो मैंने कहा था जो पहले व्यक्ति थे उन्होंने पद छोड़ा ही नहीं है, लगातार 2 बार रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन आपका ए है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ गए होंगे आपके, आंसर देना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। जल्दी बनाए 59 का आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 60 नंबर, तो 60 नंबर का क्वेश्चन करना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है, मतलब वापिस से निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 52, 54, 55 या 57, जल्दी बताएं चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। 55 या 57 किस आर्टिकल के तहत एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो दिया है दोस्तों अपना जो डी ऑप्शन 57। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जल सिंह, आर वेंकटरमन। 61 जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे तो वो थे एन संजीव रेड्डी। ये जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? जल्दी बनाए 62 का आंसर। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया ना डॉक्टर जाकिर हुसैन वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? मतलब जो प्रतिरक्षा बल का मतलब है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, ये पूछना चाह रहा वो। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पर इसको घुमा के पूछा इस बार उसने। थल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या तीनों सेनाध्यक्ष? चलिए बनाए 63 का आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 63 का बी ऑप्शन। आज तो बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले लिया। अभी बहुत सारे टॉपिक छूट गए हैं बीच में, उनको मैं वापस कवर करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर एक सिंपल टॉपिक जिससे आपका मनोबल बढ़े। 64 का आंसर, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? जल्दी बनाए 64 का आंसर। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये बात ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 64 का आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 64 का आंसर हो गया ए, 65। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति करता है? एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी? जल्दी बनाए 65 का आंसर। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, एक राज्य का राज्यपाल भी उसकी भी नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 65 का आंसर डी है, समझ आ रहा होगा आपको क्यों मैं डी आंसर बता रहा हूँ, सबकी नियुक्ति वही करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बनाए 66 का आंसर। जल्दी क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर लिखना है, ठीक है? आप आंसर लिखेंगे आपको याद होना शुरू करेंगे, हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। वेरी गुड, जिन विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया ना वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बनाए राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, 67 का ए ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति नहीं करता, बाकी सबके, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी करता है, सेना प्रमुख की भी करता है, ठीक है? और यहाँ अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति ये नहीं करता है, उसको चुना जाता है लोकसभा के सदस्य को द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष? चल रहा है वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन दे रहे हैं ना राज्यपाल वो बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसके प्रसार पर्यंत राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है, तो वो है राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत। 68 का आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे, 69, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? वित्त आयोग, योजना आयोग या राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग? अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, पर कभी योजना आयोग देते तो उसका भी ध्यान रखें। तो बिल्कुल जो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है किसकी? योजना आयोग की, यानी नीति आयोग की, क्योंकि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग दिया है, नियुक्ति नहीं करता है। किसकी नियुक्ति नहीं करता है? योजना आयोग, यानी नीति आयोग की, वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है। वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी का भी नहीं। वित्तीय बिल का मतलब होता है पैसे वाले जो बिल होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। धन विधेयक बोल सकते हैं हम, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वह
70 का आंसर क्या होगा दोस्तों? धन विधेयक बिल यानी धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वो है राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति पहले ही उसको अनुमति दे देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी भी अभिव्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। गली बनान तीनों ऑप्शन है आपके पास, चौथा नहीं है। गली बनान तीनों में से आंसर होगा। यस, वेरी गुड। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, 71, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास, जल्दी बनाएं। दो ही ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, जल्दी बनाएं। इसका आंसर क्या होगा? 14-16। जल्दी बनाएं, 14 और 16 में से क्या है? दोनों सदनों को मिलाए तो 12 तो राज्यसभा में देता है और 2 लोकसभा में देता है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया? 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 72 का आंसर है ए। कुछ ही समय के बाद में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, उसके बाद में आपका जो चलने वाला है क्या डिटेल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। जल्दी बताएं। 73 का आंसर, वेरी गुड। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति के हक में नहीं आता है। ये जरूर है कि न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा पर उनको हटा नहीं सकता वो। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। 74 का आंसर, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार 143 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श ले सकता है, ऐसा बताया गया है। तो वेरी गुड, वो आंसर होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायाधीश न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अभी हाल मैंने बताया था, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 32। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। 75 का आंसर, अभी हाल मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन निकला था उसमें। वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं 143, वो बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा और समय और उसके बाद में आपकी डिटेल जानकारी शुरू होने वाली है दोस्तों। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है प्रधानमंत्री का, संघीय मंत्रिपरिषद का, लोकसभा अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का। जल्दी बताएं, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन फिलअप कर रहा है ना वो बिल्कुल सही चल रहा है, 76 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? सहायता, राष्ट्रपति को कौन सहाय यानी सहायता देता है और मंत्रणा देता है? 77 और मंत्रणा देता है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या संघीय मंत्रिपरिषद? जल्दी बताएं। 77 का आंसर, क्या आंसर होगा 77 का? वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहा है ना वो बिल्कुल सही है, संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की? 1962 में, 1961 में, 71 में, 71 में मतलब, और 1975 में, और कभी नहीं। मतलब आर्थिक संकट का मतलब है पैसे की बहुत तंगी आ गई है, ठीक है, दिवालिया घोषित हो गया ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो ऐसी घोषणा जो है अगर किसी देश के द्वारा की जाती है तो वो समझा जा सकता है कि वो कुछ भी नहीं रहा है, कंगाल रह गया है, ठीक है। तो ऐसी घोषणा आज तक भारत में कभी नहीं की गई है, ये प्लस पॉइंट है भारत के लिए, तो कभी नहीं। और राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग की प्रक्रिया साबित नहीं हुई है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, दो जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष? दिल्ली बनाए। 79 का आंसर, 79 का आंसर क्या होगा दोस्तों? वेरी गुड, 79 का आंसर है डी, राज्यसभा अध्यक्ष। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्यसभा अध्यक्ष। समझ आया? नोट डाउन करते जाएं, एक एक क्वेश्चन को आप बनाते जाएं और बहुत मज़ा आने वाला है आगे दोस्तों, इतना मज़ा आएगा पढ़ने का पूछो मत, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति राजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला? जल्दी बताएं। 80 का आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो नंबर एक यानी पार्ट नंबर एक है राष्ट्रपति का, पार्ट नंबर दो भी बहुत जल्दी आएगा, तो अभी जो है डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला।
जो है आंसर हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा डी। जो है इन्होंने मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के आए थे। तो चलते हैं दोस्तों अब डिटेल में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसका एक वीडियो और आपको मिलेगा। ये प्रथम पार्ट है, राष्ट्रपति का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। दोनों पार्ट कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, कई क्वेश्चंस एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें, कौन से आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किस में बताई गई है, 52 में, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 में। भारत के राष्ट्रपति की तुलना कुछ हद तक ब्रिटेन के सम्राट से की जाना उचित है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आया था। और सारे मैंने पॉइंट अच्छे लेवल के शामिल किए हैं, वही पॉइंट शामिल किए जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बने रहिए वीडियो के साथ में, वीडियो छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब डिटेल आप पढ़ें तभी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा पाएंगे, अब फिर उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है और जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं, बताया था मैंने। ये RBI या भारत की संचित निधि में ये जमा करवाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वी गिरी थे, बताया था मैंने, और चौथे नंबर के हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे, यह जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, भारत का पहला जो राष्ट्रपति बना था वो बिहार से थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति को 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, और किसके द्वारा चुना गया था, संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, ये बात ध्यान रखना। राष्ट्रपति संघ समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु राज्य सूची पर उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है, मतलब राज्य सूची पर जो है राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, अन्य को नहीं। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाती है तो वो डायरेक्ट लेटर किसको लिखेगा, राष्ट्रपति को लिखेगा, किसी अन्य को नहीं। क्योंकि फांसी की सज़ा माफ़ करवाना या उसे कम करवाना जो भी है, या उसे बढ़वाना जो भी है, वो सब राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही कर सकता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, वास्तविक प्रमुख होता है अपना प्रधानमंत्री। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है या नहीं, तो बिल्कुल जो है आवश्यक नहीं है, बने वो नहीं पढ़ा लिखा होगा, पहली दूसरी पढ़ा होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन वापस आ गया है। भारत के लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति व राज्यपाल करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी व्याख्या कौन करता है, लाभ के पद की व्याख्या करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है, कि कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी, और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह, ये सारी जो है बातें जो बताई जा रही है वो राष्ट्रपति पद के लिए चाहिए। यदि आप भविष्य में ये चाहते हैं कि हमें राष्ट्रपति बनना है, क्योंकि यहाँ पर उसकी राष्ट्रपति की सैलरी अगर देखी जाए तो 5 लाख रुपए हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार 5 लाख रुपए मिल रहे तो क्यों ना राष्ट्रपति बन जाऊँ। तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो देखें। भारत का नागरिक होना चाहिए आप, ठीक है, यदि अमेरिका की नागरिकता ले रखी तो आप यहाँ के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, इससे कम होगी तो आप नहीं बन सकते। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, पर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप राष्ट्रपति ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस टाइप से होता है, अनुच्छेद 54 के तहत होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, ये बात ध्यान रखना। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, पर अमेरिका में 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 19 नंबर का, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये बात ध्यान रखना। कहीं कहीं निर्वाचन आयोग दिया हुआ है तो वो गलत है, निर्वाचन आयोग का काम होता है केवल चुनाव करवाना।
निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। किस आर्टिकल के तहत? 56 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, पद धारण से पूर्व करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नोट, अनुच्छेद 771 मतलब क बोल सकते हैं इसको, 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जानी चाहिए। मतलब जो भी कार्य किया जाएगा ना, जैसे अमेरिका से हम कोई समझौता कर रहे हैं, जापान से कोई समझौता कर रहे हैं, तो वो सारे समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, मंत्रियों में उक्त कार्य के लिए आवंटन करने के लिए नियम भी बनाएगा। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निम्न आधार पर 5 वर्ष से पहले भी पद छोड़ सकता है, यानी उससे पद से हटाया जा सकता है। नंबर 1, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन से आर्टिकल के तहत लिखा गया है ऐसा? तो आर्टिकल है 56(2) में। ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, अगर महाभियोग की प्रक्रिया मैंने बहुत सी बार बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया, कौन से अनुच्छेद के तहत आ रही है? 61। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कौन से अनुच्छेद के तहत जो है अपन महाभियोग लगाते हैं, तो वो 61 है। और कौन से देश से ये प्रक्रिया ली गई? तो अमेरिका से ली गई है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया गया है क्या? कभी भी नहीं हटाएगा। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करेगा तो ही उसे आप हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में देखा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। आगे देखो, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाले आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसे तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति या पदावधि यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो 5 साल की अवधि होती है उससे पहले ही जो राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है और बता दिया जाता है कि अगला राष्ट्रपति ये होगा। अनुच्छेद 62(1) में देखा जाए तो, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल ना हो पाए, मतलब 62 में एक सुविधा और दी गई है, मान लो चुनाव नहीं करवाए जा सकते, संभव नहीं हो पा रहा है चुनाव करवाना किसी कारणवश, या दंगे वंगे हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर चुनाव नहीं करवाया जा रहा है तो 62(1) में ये बताया गया है कि किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल ना हो पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। तो सीधी सी बात है, ये कहना वो चाह रहा है कि राष्ट्रपति जब तक पद नहीं छोड़ेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी आकर ये ना कह दे भाई आप उठ जाए, मुझे बैठना है इस कुर्सी पर क्योंकि मैं अब राष्ट्रपति हूँ अगला, ऐसा हम लॉजिक ले सकते हो। तो अनुच्छेद 56(1)(g) ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 5 साल पूरे हो गए तो उपराष्ट्रपति कहे कि मैं आऊँ कार्य करने, तो भैया तुम नहीं आ सकते, जब तक मेरा दूसरा उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक मैं पद छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु हुई है, ना ही मैंने त्यागपत्र दिया है, ना ही मेरे ऊपर महाभियोग चल रहा है, तो मैं बना रहूँगा, किसको बुरा लग रहा है यार, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अन्य आकस्मिक, नेक्स्ट है आपका, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो, ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है, इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट है आपका, इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया,
जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपादित करेगा। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। किस टाइप से वेतन मिलता है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपये, जिसकी हम बात कर रहे थे। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है आयकर से मुक्त होता है, उसके वेतन पर कोई भी आयकर या इनकम टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं, मतलब उसको जो है जगह दी जाती है रहने की। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, ठीक है। उनके वेतन और भत्ते को किसी भी प्रकार से कमी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। किस किस की नियुक्ति करता है? भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो शरायत है एग्जाम्स में, अभी जो हमने टेस्ट लगाया था उसमें, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट है आपका संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। इसके बाद है भारत के राजदूतों तथा अन्य न्यायिकों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति। तो ये भारत का राष्ट्रपति जो है कई सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन ये बनेंगे कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, तो अपन को इस सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। एग्ज़ाम्स क्लियर करना है तो आपको सारी चीज़ याद होना चाहिए। यदि आप अधूरी तैयारी करके जाएंगे एग्ज़ाम्स में तो कोई फ़ायदा नहीं है, फेल होकर वापस आ जाएंगे। और टारगेट एकेडमी के चैनल से यदि पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जो है आपको सफल होना ही पड़ेगा, क्योंकि टारगेट एकेडमी केवल नाम ही काफ़ी है सिलेक्शंस के मामले में, और कई विद्यार्थियों का भविष्य बना चुकी है। और यदि आप भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है हमसे संपर्क अवश्य करें, और आगे की प्रक्रिया आपको जो है बाद में बता दी जाएगी दोस्तों। अभी मैं आपको बता देता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लाइक ठोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे से बनाया गया है और काफ़ी मेहनत करके आपके लिए जो PDF उपलब्ध करवाए गए हैं और वीडियो बनाए गए हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के साथ में आप बने रहे और वीडियो को शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। लाइक और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक करें, कुछ तो करें आप, ताकि हमें भी पता पड़े कि हमने वीडियो अच्छा नहीं बनाया तो क्यों नहीं बताया, और ये लिख के भी बताएं कि क्या बुरा लगा आपको इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप वीडियो में बने रहे। आशा है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, हमारी मेहनत को आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने वीडियो बनाया है, मेहनत करके आप उसको शेयर करेंगे तो हमारी मेहनत जागेगी, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। वापस